हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करना सीखेंगे पेपर ट्रैश ट्रांजिशन। गाइज, अभी जो आपने देखी वीडियो और इस वीडियो में जो ट्रांजिशन यूज की गई है, इसी को ही बोलते हैं पेपर ट्रैश ट्रांजिशन। इन ट्रांजिशन को आप यूज कर सकते हैं इंट्रोस, प्रमोशन, कमर्शियल, एड, हाइलाइट्स, ट्रेलर और टीजर्स में। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंट्रो या फिर आपका प्रोमो थोड़ा लगे क्रिएटिव, तो आप यूज कर सकते हैं इस पेपर ट्रैश ट्रांजिशन को। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए यूज करा करें क्रिएटिव ट्रांजिशन, रेदर देन आप किसी नॉर्मल ट्रांजिशन को यूज करने के बजाय इस टाइप की ट्रांजिशन को जरूर अप्लाई किया करें। अगर आपने इस टाइप की ट्रांजिशन को आज से पहले नहीं अप्लाई किया या फिर आपको अप्लाई नहीं करना आता, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें और सीखें कि इस टाइप की ट्रांजिशन को कैसे करते हैं क्रिएट, बिकॉज इस टाइप की ट्रांजिशन को अप्लाई करने का होता है बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं आता। सो इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इन ट्रांजिशंस का लिंक और उन ट्रांजिशन पे अप्लाई किया गया है एक पासवर्ड, जो कि आपको मिलेगा इसी वीडियो के दौरान। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि वो पासवर्ड आपका स्किप ना हो। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करा करें और लाइक जरूर करा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं पेपर ट्रैश ट्रांजिशन। सो गाइस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड होगी इस टाइप की एक फाइल। सो इसे अब हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। सो इसे अब हम करेंगे राइट क्लिक और करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक। सो क्लिक करते ही आपसे मांगेगा ये पासवर्ड। सो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वो पासवर्ड जो कि आपको मिलेगा इसी वीडियो में। सो वीडियो को देखिएगा ध्यान से ताकि वो पासवर्ड आपका कहीं पे भी स्किप ना हो। सो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ उस पासवर्ड को। सो पासवर्ड को अप्लाई करने के बाद अब मैं इसे कर दूंगा ओके। सो ओके करते ही हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, जो कि है ये। सो इस फोल्डर को अब हम करेंगे ओपन और हमारे सामने ओपन होंगे 10 फाइल्स। सो इसे ही अब हम यूज करेंगे अपनी वीडियो में। अगर आपकी ये फाइल्स आपके सिस्टम पे प्ले ना हो लाइक दिस, तो आप टेंशन मत लेना, ये आपकी वीडियो चलेंगी आपके डायरेक्ट प्रीमियर में। सो यही मैंने आपको मेन बताना था। सो अब हम चलते हैं अपने प्रीमियर में और वन बाय वन इसे करते हैं अप्लाई और देखते हैं कि किस तरह से इसे करना है अप्लाई और क्या है इसका मेन मेथड। सो ये है हमारी टाइमलाइन जो कि मैंने पहले ही क्रिएट करके रखी हुई है। सो यहाँ पर अब हम क्रिएट करते हैं एक फोल्डर और इंपोर्ट करते हैं अपने पेपर ट्रैश को। सो यहाँ पर है हमारा पेपर ट्रैश। सो इन पेपर ट्रैश को मैं करूंगा सबको सेलेक्ट और कर दूंगा ओपन। सो ओपन करते ही हमारे जितनी भी फाइल्स थी वो इंपोर्ट हो चुकी है। और सो अब हम करते हैं किसी एक ट्रांजिशन को अप्लाई। सो फर्स्ट मैं अप्लाई करूंगा इस ट्रांजिशन को। इसे आप सबसे पहले रखेंगे अपनी फाइल के ऊपर। सो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आप लगाएंगे कट। कंट्रोल के को यूज कर सकते हैं आप कट लगाने के लिए। सो कट लगाने के बाद आप इस ऊपर जो आपने फाइल को अप्लाई किया है अपनी ट्रांजिशन को, इस पर आप अप्लाई करेंगे अल्ट्रा की। सो इस अल्ट्रा की को मैं अप्लाई कर दूंगा इस वीडियो के ऊपर। सो अप्लाई करने के बाद आप जाएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में और यहाँ पर आपको मिलेगा कलर पिकर। इस की कलर पिकर से आप सिलेक्ट करेंगे येलो कलर को। सो सिलेक्ट करने के बाद आप इन दोनों फाइलों को सेलेक्ट करके कर देंगे नेस्ट। सो नेस्ट करने के बाद ये आपकी फाइल हो जाएगी ग्रीन कलर में कन्वर्ट, मतलब कि हमारी ये फाइल हो चुकी है नेस्टेड। सो इसे अब हम ड्रैग करेंगे ऊपर वाली लेयर पे और ये जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसे हम शो करना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रांजिशन में, उसे हम ड्रैग कर देंगे इस इफेक्ट के नीचे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं।
सो अप्लाई करने के बाद अब हम दोबारा से अप्लाई करेंगे यहाँ पर अल्ट्रा की। सो अल्ट्रा की दोबारा से आप अप्लाई करेंगे इस नेस्टेड फाइल में और यहाँ पर कलर पिकर टूल को यूज़ करके आप सेलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर को। सो ग्रीन कलर को सेलेक्ट करने के बाद अब वीडियो को देखते हैं प्ले करके। देखिए हमारा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है जैसे कि हम क्रिएट करना चाहते थे। सो एक बार मैं आपको फिर से क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने इसे किया था क्रिएट। सो इस वीडियो पे अब हम अप्लाई करते हैं अपने इफेक्ट को। सो इनमें से किसी भी ट्रांजिशन को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। सो इसे मैं यूज़ करूँगा। सो इसे आप ड्रैग करेंगे अपनी टाइमलाइन पर जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। सो अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर लगाएंगे कट कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की यूज़ करके और कट लगाने के बाद आप इस अपनी ऊपर वाली फाइल जो कि आपने ट्रांजिशन अप्लाई की है ट्रांजिशन वीडियो पे आप अप्लाई करेंगे। सो ये जो आपकी फाइल है ऊपर वाली ट्रांजिशन फाइल इस पे आप अप्लाई करेंगे अल्ट्रा की। अल्ट्रा की अप्लाई करने के बाद आप यूज़ करेंगे यहाँ से की कलर को और की कलर आप सेलेक्ट करेंगे येलो। सो सेलेक्ट करने के बाद आप इन दोनों फाइलों को सेलेक्ट करके कर देंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट करने के बाद आप इसे ड्रैग करेंगे लेयर टू पे। सो ड्रैग करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसे भी आप शो करना चाहते हैं उसे आप ड्रैग करेंगे अपनी इस ट्रांजिशन के नीचे। सो ड्रैग करने के बाद आप फिर से अप्लाई करेंगे अपनी नेस्टेड फाइल में अल्ट्रा की। सो अल्ट्रा की को अप्लाई करने के बाद दोबारा से आप सेलेक्ट करेंगे अब रेड कलर को। सो रेड कलर को सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। सो इसी तरह से आप इन 10 पेपर ट्रैश ट्रांजिशन को यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में और अपनी वीडियो की क्वालिटी को अपग्रेड कर सकते हैं इस टाइप के ट्रांजिशन को यूज करके। सो अगर आपको ये ट्रांजिशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंच सके जो सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्रिएटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए।